जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच नदीम अहमद, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं K9 स्टूडियो में, जहां की हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा दिल और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक और K9 स्टूडियो के ओनर और फाउंडर अमित चौधरी जी हमारे साथ में हैं। आइए बात करते हैं भाई से और जानते हैं इनका K9 के बारे में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये ऑर्गेनाइजर्स सिंगर्स और हमारे दिल्ली की जनता के लिए लेके आए हैं। आइए बात करते हैं। अमित भाई, स्वागत है आपका पी न्यूज़ पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, और पी न्यूज़ को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप दिल्ली के समस्त जितने भी गाने के शौकीन और गाने को चाहते हैं और संगीत से प्रेम करते हैं, उन सभी की आवाज़ और उनकी उन सभी की बुलंदियाँ आप हम तक पहुँचाते हो, जनता तक पहुँचाते हो, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद जी अमित भाई। क्योंकि पी न्यूज़ का मतलब ही हमने सिंगिंग को डेडिकेट किया हुआ है, तो ये आर्टिस्टों के लिए ही चैनल है जी। अच्छा अमित भाई, मैं ये जानना चाहूँगा जो अभी कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं हम, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर सिंगर और नए लोग आपको देख रहे हैं K9 में आके, वो किस तरह से ज्वाइन करें आपको और क्या प्रोजेक्ट आप उनके लिए लेके आ रहे हैं? सर देखो, प्रोजेक्ट तो मैं उसको प्रोजेक्ट नहीं कहकर ये कहूँगा कि जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जितनी भी दिल्ली के अंदर जहाँ भी वो स्टूडियो बुक करते हैं, तो स्टूडियो में जो स्टूडियो के मालिक होते हैं उनको एक ऑर्गेनाइजर के तरीके से देखते हैं, एक उनको बिजनेस के तरीके से देखते हैं, मगर K9 स्टूडियो उन सभी ऑर्गेनाइजरों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत बड़ा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो टाई अप चल रहे हैं, अभी स्टूडियो से काफ़ी सारे टाई अप चल रहे हैं, और उस स्टूडियो के टाई अप से हमारे जो ऑर्गेनाइजर साथी हैं, क्योंकि बिना उनके तो स्टूडियो अधूरा है, जब तक वो लोग नहीं आएंगे तो यहाँ पे कार्यक्रम कौन करेगा, मगर उन लोगों को ही अगर बिजनेस न मिले, बिकॉज आप जानते हो कि बहुत से ऐसा होते हैं कि जब वो शो करते हैं तो अपने ही पॉकेट से ज़्यादा बेयर कर देते हैं और उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उसके बावजूद उनको नाम तो मिलता है मगर वो सम्मान नहीं मिल पाता। मगर हम लोग ये चाहते हैं कि उनको नाम के साथ सम्मान के साथ उनको बिजनेस भी प्रोवाइड करें, लोग हमसे जुड़े, ऑर्गेनाइजर हमसे जुड़े, हम उनको यहाँ पे प्रोग्राम भी देंगे और ऐसा नॉमिनल चार्ज देंगे जिसमें, क्योंकि देखो सर ये स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर पैसा खर्च होता है और उस पैसे की आवाज़ाही बहुत ज़रूरी है, और हर काम फ्री का नहीं होता है। और जब हम बिजनेस पार्टनर की बात करें तो बिजनेस पार्टनर का मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारे साथ बिजनेस भी करेंगे, और हमारा एक जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक स्टूडियो तक सीमित ना रहकर हम लोग उन सिंगरों को बहुत आगे बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जिसमें प्रतिभा है जी। इसलिए हम चाहते हैं, सभी अपने ऑर्गेनाइजर साथियों से निवेदन करता हूं कि वो एक बारी K9 स्टूडियो में आएं और आकर बैठें और उस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करें, क्योंकि हम लोग आपको ऑर्गेनाइजर ना समझकर अपना एक बिजनेस पार्टनर समझते हैं, उसके लिए आप आइए बैठिए बात करते हैं, और एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग आपके माध्यम से, अपने माध्यम से और पी न्यूज़ के माध्यम से हम लोग एक दिल्ली के अंदर बड़ा इवेंट करना चाहते हैं, मगर जब तक आप लोगों की कमी रहेगी तब तक हम लोग वो कार्य नहीं कर सकते, तो इसलिए आप सभी का वेलकम है, आइए जुड़िए, और संगीत प्रेमियों को और जो संगीत के असली जिनमें प्रतिभा है उन लोगों को आगे बढ़ाने में आपका साथ और सहयोग की कामना करते हैं जी। अमित भाई, जैसे कि साथियों आपने देखा, अमित भाई ने एक प्रोजेक्ट बताया, प्रोजेक्ट पूरा क्योंकि बैठ के यहाँ इंटरव्यू में समझना बहुत मुश्किल है, आप लोग K9 स्टूडियो आके विज़िट कीजिए। विज़िट करने के बाद अमित भाई हैं और हैं सरताज भाई वगैरह हैं हमारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं यहाँ पे जी, टीम के बारे में बता दीजिए जी। मैं टीम की मैनेजमेंट आपको बता रहा हूँ कि टीम के अंदर जो इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, सरताज भाई हैं, रवीन भाई हैं, राजेश भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, और समस्त जितने मेरे साथी हैं, क्योंकि मैं ओनर नहीं हूँ। अभी आपने बोला दो बार ही बोला कि आप ओनर और संस्थापक हो, सर मैं ओनर नहीं हूँ, मैं संस्थापक नहीं हूँ, सारी ये मेरी टीम ओनर है, सारी टीम ये संस्थापक है, और जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजर यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं सारे ओनर वो हैं, मैं तो सिर्फ उनका सेवक हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात होती है अमित भाई, क्योंकि एक दिल में भावना होती है कि मुझे सेवा करनी है, और जिस हिसाब से आपने मुझे प्रोजेक्ट बताया जी, वो कोई चार्ज मैं मानता नहीं हूँ, वो भी सेवा ही है, और इतने अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने बताया मुझे भी, क्योंकि हमारी अभी डिस्कस हुई थी, तो उस चीज़ को लेके मैं भी इसी नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है जी। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। साथियों आप आइए यहाँ पे, इन सबसे मिलिए, प्रोजेक्ट को समझिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको भी आसानी रहेगी, और देखिए बिना ऑर्गेनाइज़र के, बिना सिंगरों के कोई भी स्टूडियो अधूरा है।
अभी K9 स्टूडियो आप देखते हैं, हमेशा बने रहते हैं K9 स्टूडियो, आके प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जितने ऑर्गेनाइज़र यहाँ पहुँच रहे हैं उन सभी का धन्यवाद करते हैं हम, और आशा करते हैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार आके इस प्रोजेक्ट को समझें और इस प्रोजेक्ट के बारे में जानें, जिससे कि इस प्रोजेक्ट को हम ओनली दिल्ली ही नहीं, इंडिया के हर लेवल तक इसे पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और पी न्यूज़ के द्वारा जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में हम इस प्रोजेक्ट को पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। अमित भाई, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज इस खास मौके पे, क्योंकि अभी तक इसका, इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, पहला इंटरव्यू है जी। सर, मैंने आपको बताया कि पी न्यूज़ पूरी दिल्ली नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष में कहता हूँ कि जो संगीत प्रेमियों को आगे लेके आ रहे हैं वो पी न्यूज़ है, और मेरी बेस्ट विशेज हमेशा इनके साथ रहेगी, और जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, ऐसे तो मेरे को लगता है कि मीडिया को किसी की ज़रूरत नहीं है, मगर हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, और आपसे इस बात का वादा करते हैं कि जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम लोग आपके साथ वहाँ पे खड़े रहेंगे, क्योंकि आप भी हमारे साथ जी, और मेरे साथ नहीं, तमाम संगीत प्रेमियों के साथ, तमाम ऑर्गेनाइज़रों के साथ, तमाम कलाकारों के साथ आप समय समय पे बने रहते हैं, उसके लिए मैं आपका हृदय तल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, कि हमारी शुभकामना यही है कि पी न्यूज़ सैटेलाइट चैनल के रूप में उभर के आए, ये हमारी आपकी, ये हमारी आपसे दिल से कामना करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई समय देने के लिए, और हम भी वादा करते हैं, मेरे समस्त चैनल जितने भी हैं, पी न्यूज़, ए न्यूज़, ए एन मैगजीन, एंड एक चैनल और है, सस्पेंस में था बट मैं बता देता हूँ, ऑल नेशन न्यूज़ ट्रू के नाम से, जो कि 24 तारीख में लॉन्च हो रहा है, बहुत बहुत और ये चैनल भी, चारों चैनल आपके साथ है हमेशा, आपको जहाँ भी ज़रूरत हो एक फ़ोन कीजिएगा, इंशाल्लाह हम वहीं खड़े मिलेंगे। और साथियों, आप भी पी न्यूज़ की सेवा ले सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, और साइड में जो आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो K9 स्टूडियो का नंबर है, आप लोग फ़ोन करके इनसे नॉलेज ले सकते हैं किस तरीके से आया जाए या क्या बात है, आप यहाँ आके विज़िट कीजिए, और एक बार K9 स्टूडियो में आके विज़िट ज़रूर कीजिए, ये हमारी आपसे दरखास्त है। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह, किसी नई प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए कलाकारों के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अमित भाई, धन्यवाद।